मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना और कल ही हमने आन बान शान के साथ गणतंत्र दिवस भी मनाया। लेकिन मैं आज कुछ और बात करना चाहता हूं। हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे लोकतंत्र का तो अभिन्न अंग है ही और हमारे गणतंत्र से भी पुरानी है। मैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहा हूं। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का स्थापना दिवस था, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में जिस स्केल पर चुनाव का आयोजन होता है उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है और हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। हमारे देश में ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड मतदाता है, उसे मतदान करने का अवसर मिले। जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूर दराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गीर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है, कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। उस एक मतदाता का ध्यान रखते हुए उस मतदाता को उसके मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिले, इसके लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी की पूरी टीम दूर दराज क्षेत्र में जाती है और वोटिंग की व्यवस्था करते हैं और यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। मैं सभी राज्यों के चुनाव आयोग की, सभी सुरक्षाकर्मियों, अन्य कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं। इस साल हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। यह पहला अवसर होगा जहां 21वीं सदी में जन्मे युवा लोकसभा चुनावों में अपने मत का उपयोग करेंगे। उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का अवसर आ गया है। अब वो देश में निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। खुद के सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ने का समय आ चुका है। मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खुद को जरूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएं। हम में से प्रत्येक को एहसास होना चाहिए कि देश में मतदाता बनना, मत के अधिकार को प्राप्त करना वो जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथ साथ मतदान करना ये मेरा कर्तव्य है, ये भाव हमारे भीतर पनपना चाहिए। जीवन में कभी किसी भी कारण से अगर मतदान नहीं कर पाए तो बड़ी पीड़ा होनी चाहिए। कभी कहीं देश में कुछ गलत होता हुए देखें तो दुख होना चाहिए, हाँ मैंने वोट नहीं दिया था, उस दिन मैं वोट देने नहीं गया था, इसका ही खामियाजा आज मेरा देश भुगत रहा है। हमें इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यह हमारी वृत्ति, यह हमारी प्रवृत्ति बननी चाहिए, यह हमारे संस्कार होने चाहिए। मैं देश की जानी मानी हस्तियों से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर वोटर रजिस्ट्रेशन हो या फिर मतदान के दिन वोट देना हो, इस बारे में अभियान चला करके लोगों को जागरूक करें। मुझे उम्मीद है कि भारी संख्या में युवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगे और अपनी भागीदारी से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेंगे।